हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको आईपीएल 2020 से जुड़ी जो सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। और गाइस, पांच बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं आईपीएल 2020 के स्टार्टिंग डेट को लेकर। तो गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि आईपीएल 2020 का पहला मैच कब खेला जाएगा, कौन कौन सी टीम के बीच खेला जाएगा, और साथ ही साथ डबल हेडर्स मैचेस होंगे या नहीं, और आपको ये भी बताएंगे कि आईपीएल 2020 का फाइनल कौन से वेन्यू पर होगा। तो गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चाहते हो कि आपकी फेवरेट टीम बने आईपीएल 2020 में चैंपियन, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और क्रिकेट से जुड़ी, आईपीएल से जुड़ी सभी न्यूज़ सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है वो है डबल हेडर्स मुकाबले को लेकर। तो गाइज, अगर आप डबल हेडर्स मुकाबलों को नहीं जानते तो आपको बता दें कि वीकेंड पर जो सैटरडे और संडे को दो दो मैच होते हैं उसी को डबल हेडर्स मुकाबला कहा जाता है। और गाइज, इस बार टोटल पांच डबल हेडर्स मुकाबले खेले जाएंगे। मतलब गाइज कि इस बार जो आईपीएल का सीजन होगा उसमें से पांच बार एक दिन में दो मैच खेले जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम डबल हेडर्स मुकाबलों की टाइमिंग की बात करें तो जो डबल हेडर्स का पहला मैच होगा वो शाम 4 बजे से शुरू होगा, वही जबकि इसका जो दूसरा मैच होगा वो रात 8 बजे से शुरू होगा। और गाइज, जो दूसरा अपडेट निकल कर आ रहा है वो है टाइमिंग से रिलेटेड। दरअसल गाइज, पिछले कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने हम लोगों को एक अपडेट दिया था कि जो आईपीएल के मैचेस होंगे वो शाम 7:30 बजे होंगे, और आईपीएल के मैचों की जो टाइमिंग है उसे चेंज किया जाएगा। हालांकि गाइज, ऐसा नहीं होगा, और जो बीसीसीआई के जो हेड ऑफिसर हैं सौरभ गांगुली, उन्होंने ये फाइनल कर दिया है कि इस बार भी आईपीएल के सभी मैचेस शाम 8 बजे से शुरू होंगे। तो गाइज, जो आप टाइमिंग नोट कर लीजिए, आईपीएल के जो सभी मैचेस होंगे वो रात 8 बजे से खेले जाएंगे। उसके बाद गाइज, जो तीसरा और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है वो है आईपीएल के फाइनल मैच के वेन्यू के लेकर। दरअसल गाइज, पिछले कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने एक अपडेट दिया था और कहा था कि आईपीएल 2020 का फाइनल मैच सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। और गाइज, आपको बता दें कि सरदार पटेल जो स्टेडियम है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होने वाला है, और यहाँ पर 1,10,000 लोग बैठकर एक साथ मैच देख सकते हैं। हालांकि अब बीसीसीआई अपने बयान से पलट चुकी है और आईपीएल का जो फाइनल मैच होगा वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही कराया जाएगा। और गाइज, आपको बता दें कि मुंबई आईपीएल की जो गत विजेता भी है, तो एक तरह से एक अच्छा डिसीजन लिया है बीसीसीआई ने। और साथ ही साथ जो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है वो कई सालों से आईपीएल के फाइनल को होस्ट करते आ रहा है। और गाइज, जो चौथा बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है वो है आईपीएल के स्टार्टिंग डेट को लेकर। दरअसल दोस्तों, बीसीसीआई ने भाई कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल का जो पहला मैच होगा वो 29 मार्च को खेला जाएगा, जबकि आईपीएल का फाइनल मैच 24 मई को खेला जाएगा। और गाइज, जो पांचवा और सबसे आखिरी अपडेट निकल कर आ रहा है वो दोस्तों निकल कर आ रहा है फर्स्ट मैच किन टीमों के अगेंस्ट खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक टीम मुंबई इंडियंस होगी, यह बात 100% कंफर्म कर दी है बीसीसीआई ने। और आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस आईपीएल की गत विजेता है, इसी वजह से पहला मैच वो खेलने वाली है। और गाइज, अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मुंबई इंडियंस के साथ पहला मैच कौन सी टीम खेलेगी। हालांकि ज़्यादा चांसेज है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के, क्योंकि गाइज ये जो तीन टीम्स हैं ये तीनों ही टीम्स काफ़ी बड़ी टीम्स मानी जाती हैं आईपीएल की। तो ऐसे में बीसीसीआई चाहता है कि आईपीएल का स्टार्ट ही धमाकेदार तरीके से हो। और गाइज, उसके बाद आपको बता दें कि आईपीएल 2020 का जो कन्फर्म शेड्यूल होगा वो मिड फरवरी यानी कि 15 फरवरी तक आ जाएगा। तो गाइज, जैसे ही बीसीसीआई पूरा कन्फर्म शेड्यूल लॉन्च करती है, आपको सबसे पहले वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो गाइज, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, और जो 4-5 अपडेट्स निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 के स्टार्टिंग डेट को लेकर उनको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आईपीएल का पहला मैच मुंबई इंडियंस के साथ किस टीम को खेलना चाहिए। और क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज़ सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।